हम पे फूट चुका है एक बम, और वो बम क्या है तो भाई साहब आज फिर अपनी सुबह, फिर क्या जल्दी सुबह हुई, और जल्दी भी क्या आज अपनी सुबह हुई, 8 बजे हो गए, वरना उठता था 9 बजे तक। और कैमरा क्यों गंदा हो रखा है? यस, अब ठीक है। हाँ तो भैया जल्दी सुबह उठना पड़ा क्योंकि आज है अब तुम्हारे भाई का कोई जो भी हिस्ट्री चैप्टर में, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो कि तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट हम हैं डर, वी आर डेयरिंग पीपल, सो हम तभी क्विज देंगे जो होगा देखा जाएगा, हम डरते नहीं, सीधी सी बात है। और अब क्या करें, अभी है 1 घंटा पूरा और अभी भी ब्रेकफास्ट बन रहा है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्या करें नहीं पता अपने आप को, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे टाइम पास करने के लिए। और बालों में मत जाना, बालों में गीले हैं इसलिए चंपू जैसा लग रहा हूँ मैं, वरना तुम्हारे भाई की तगड़ी तगड़ी फोटोज़ देखनी है तो जाओ इंस्टाग्राम पे, इधर उधर कहीं आ रहा होगा भाई का प्रोफाइल, तुम्हारा के फॉलो करो, जब तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करो। ओ एक सेकेंड, 8:30 हो चुके भैया, 8 बजे अपना ब्लॉग करा था, देखा नहीं? देखा, आई बटन में आया वैसे, देखो तुम सबसे पहले। और बताना कैसा लगा कल का ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, क्योंकि कुछ करने को नहीं था लॉकडाउन का टाइम में, तुम भी समझो क्या ही दिखाऊंगा एक घर में बैठे बैठे, जितना हो सकता तुम्हारा भाई समय कर रहा है। हाँ तो बोलो, अपना नाश्ता आ चुका, चीले कैचअप और चाय, और फटाफट से खाते क्योंकि तुम्हारे भाई को ठंडा खाना बिल्कुल नहीं पसंद, और 20 मिनट बचे हैं क्लास स्टार्ट होने के लिए, तो जल्दी जल्दी खाते हैं। फिर देखते हैं हमारी टीचर लेती है कि हम समझ जाओ। हाँ तो भाई लोग, अपना पहले क्विज हो चुका, पहले क्विज में इतना कुछ भी नहीं था, बस मैडम ने एक फॉर्म फिल करने को कहा कि इसमें फिल करना, तो मैं टिक 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 मारना इसको कर दो, जय माता दी करते करते हमने सर पेल दिया, और लगभग 7-15 में से मेरे 7 या 8 तो ठीक निकले, सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी। ठीक है यार, पहली बार तो सेकंड जो टास्क दिया वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्लास बीच में ही लीव कर दूँ, सोच तो रहा हूँ मैं कर दूँ कि नहीं कर दूँ, लेट्स थिंक अबाउट इट। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार मैम ने बहुत लंबा चौड़ा काम दे दिया, और तुम पहले इसके स्टाइल इंटीरियर डिज़ाइनर की मैं बात कर दूँगा आप लोगों को, पल्ले नहीं पड़ेगा, तो जो भी है बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा लेने का यार, आधे से ज़्यादा बच्चा नहीं आए चक्कर में, मैं तो सर के चक्कर में आके डायरेक्टर सर आएंगे तो वाट ना लग जाए, इसलिए मैं आ गया, और आज भी डायरेक्टर सर नहीं है। हाँ तो गाइस, व्हाट इज अप, एक सेकंड व्हाट इज अप कीजिएगा पहले मैं माइक। हाँ तो भैया, आज हम पे फूट चुका है एक बम, और वो बम क्या है, हमारी सबमिशंस की डेट आ गई है, कि ये डेट नहीं हमें मतलब कि परफॉर्मा मिला है कि तुम्हारे ये पर सबमिशंस है जो कि तुम्हें अभी जमा करने हैं, एंड इट वो वर्ड भी नहीं बोलना, सॉरी वो वर्ड भी मैं बोल देता, देख रहा फटी ऐसी पड़ी है मेरी सबमिशंस के नाम पे। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉग्स देंगे, ब्लॉग्स रेगुलर रहेंगे, सबमिशन भी टाइम टू टाइम चलता रहेगा अपना, तो अपने को देना भाई बहुत सारे काम और सबमिशंस के, मैं इस बार तो पक्का फोटो रखूँगा, यहाँ पर फोटो दिखती होगी, ये सारी चीज़ें हमें बनाकर देनी है, जिसके पहले से बनी पड़ी है तो वेल एंड गुड, और जिस पर नहीं बनी उसको बनानी पड़ेगी, और तुम्हारा भाई इन्हीं में से है होशियार बच्चों में से, तो तुम्हारा भाई का काम पूरा है, कुछ कुछ रह गया वो कुछ कुछ बन जाएगा आसानी से, बट जो भी बम तो मैम ने सुबह सुबह फोड़ दिया, और अब इसका मतलब यानी कि बम पटाखे, अभी दिवाली हमारी यहीं होगी, दिवाली बननी और बाकी है, क्योंकि अभी भी और सब्जेक्ट्स हैं, तो वाट अपनी लगनी है, पर व्लॉग्स आएंगे, हम रेगुलर हैं इसलिए व्लॉग्स आएंगे यार। और दाढ़ी आनी शुरू हुई, हाँ दाढ़ी आनी शुरू हो चुकी है, बस यही था फिलहाल का बिग अपडेट। और आज तो हमने कुछ की नहीं, क्लास ले ली, और क्विज था तुम्हारा भाई का, आग लगा दी क्विज में, जैसा भी था पर करा, 20 क्लास में छोड़ के भागा मतलब, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अटेंड नहीं किया, मेरी अटेंडेंस लगी है, अटेंडेंस ही तो मेन है, और ये फोकस क्यों नहीं आ रहा, अटेंडेंस ही तो मेन है। और मौसम देख रहे हो कितना सुहाना हो रहा, एकदम मौसम खुला, और भाई फिर बाहर चला गया, और मैं फिर बोर हो रहा हूँ, फिर साथ एक शॉर्ट सा सिंपल सा ब्लॉग बनेगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेट्स सी। Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. I got this, man, I got it. I will rock when I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous, honest. ये अपना ये लॉकडाउन का निकाल रहे हो टाइम में, भले अब लॉकडाउन नहीं रहा पर रिस्ट्रिक्शंस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। कैसे कैसे तुम लोग सारे अपने समय टाइम बिता रहे हो भाई, अपने पास तो कुछ है नहीं करने को, करने को बहुत कुछ है मतलब टाइम पास करने को कुछ नहीं भाई, वेले फिर कोई बोल देगा नल्ले, हम नल्ले नहीं है भैया,
फिर भी बता यार कैसे टाइम पास कर रहे सारे घर, क्योंकि मैं तो कुछ मालूम नहीं कि कोई बंदा कैसे टाइम पास कर रहा है कैसे टाइम पास नहीं कर रहा, तो बताओ अरे साथ वाली आंटी तो मुझे यूँ करके कुछ मैंने घर दे रहा, हम नहीं डरते ब्लॉग करने से बाहर। अब हम बैक ऑन द टॉपिक यार इंग्लिश। तो भैया आप लोग बताओ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो कैसे नहीं, क्योंकि पूरे दिन क्लास क्लास नहीं तो अमेजोन प्राइम प्राइम नहीं तो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं तो स्नैपचैट ही जिंदगी में लिखा है क्या, बाहर भी नहीं जा पा रहे कि घूमने, और बाहर का खाना नहीं बस मोमोज की तलब लगती रहती है, बाकी इतना कोई बाहर का हुआ नहीं तुम्हारे भाई को कि बाहर का खाना चाहिए चाहिए, मोमोज की तलब मत से मोमोज तो एनी टाइम खिला दो अपने को, पनीर वाले या तो ग्रेवी बस। पर कमेंट करके बताओ यार ज़रा कि कैसे टाइम बिताते हो तुम लोग अपना पूरा दिन, क्या या मेरी तरह ही तुम्हारी ज़िंदगी है बेसहारा तिहाड़ जेल की तरह, तो बताओ जैसा भी है। और अब तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो लाइक करो, बटन है ना लाल सफ़ेद काला पीला जो भी तुम्हें दिख रहा हो दबाओ उसको। कहीं पीछे वाला जो घर दिख रहा है ये बंदा साला कॉपीराइट ठुकवाएगा, पूरा दिन गाने बजाता रहेगा और मैं जब जब रिकॉर्ड करने जाऊँ इसके चक्कर में पता है कितना वॉल्यूम गिराना पड़ता है, कभी कभी तो शायद मेरी वॉल्यूम गिर जाती है। जो भी ये जस्ट पीछे वाला घर है ना अपना वहाँ गाने बजते हैं वहाँ दिक्कत देता है। अरे भाई साहब जिस तरह का मौसम हो रखा है इसके उड़ने के हिसाब से समझ ही आ रहा होगा आंधी ऐसा मौसम हो रखा है, और आज यार आंधी यार बहुत चिपचिपाहट हो रही है और मेरी साउंड में आपको पता चल ही रहा होगा ऐसा खटपट हो रही है। अरे 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 फोन ने गिरा देखा खटपट खटपट गेट खटपट होने शुरू हो गए और मौसम बिंदास हो चुका हवा वाला। ओ बढ़िया मौसम है मज़ा नहीं लाइफ यार बढ़िया है यार हो जल्दी से मौसम बढ़िया यार, पूरा दिन चिपचिपाहट है एसी में रहने से मतलब शरीर के मेरी हड्डियों में दर्द होने लग गया। आप लोगों के साथ होता है अगर ऐसा तो बताओ मेरे को भी, मैं पता चला सोचूं मैं ही एक वकांडा का वासी हूँ तो मेरे शरीर में दर्द हो रहा है एसी में रह के, वरना लोग मरते हैं एसी में रहने के लिए, पर मेरे शरीर में दर्द होता है हड्डियों में दर्द होता है एसी में रहने के लिए। अगर आपके होता है तो वो बटन है ना डब्बा जहाँ पे कुछ लिखते हैं, चिट्ठियाँ मत लिखो वहाँ, लव लेटर्स मत लिखो, थोड़ा कमेंट करो बताओ चीज़ें। अरे यार हमें सोच ही रहा था सुबह सारे यार क्यों नहीं कहा देखा आ गया, ज़िंदगी चाहती नहीं एक सिंगल ब्लॉग अपना यार एक सिंगल ब्लॉग नहीं बना हुआ जिसमें मैंने अरे यार ना बोला हो। क्या पब्लिक क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो तुम मुझसे, और ये जो मेरे दोस्त हो भाई तुम क्या चाहते हो, ब्लॉग नहीं बनना चाहते भाई का, नहीं चाहते भाई फेमस नहीं चाहते, जलते हैं साले मुझसे। और दूसरी चीज़ तुम्हारा भाई जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा फ्रेम बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, यूँ ना बात करूँ ना मैं यूँ बात करूँ ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके हम फ्रेम बड़ा करने की ट्राई कर रहे हैं, लिटरली बड़ा वैसे भी नहीं बोलते, बोला लिटरली मैंने नहीं बोला पर लेकिन प्रोग्रेस है लिटरली नहीं बोलते हम अब। क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है आजा नीचे तू ही तो कंटेंट है मेरा भाई अपना बाउंसर छे। अरे पसीना कितना आ गया यार ऊपर से नीचे आने में, ऊपर कितनी मस्त हवा चल रही थी देख लो, इस इज द डिफरेंस बिटवीन रूम एंड छत। कट इट क्या ही बोल गया मैं। खाना अपना आ चुका है आज बना तगड़ा खाना, आज बनी है खीर पूरी सब्जी, और सब्जी वाली नहीं जो भंडारे में सब्जी मिलते हैं ना वैसी वाली टेस्ट की सब्जी बनाई मम्मी ने। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो लाइक करो नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं सीधा आपसे अगले ब्लॉग में, गुड बाय।